मेरे आलू उबाल उबल के कैसे हो गए। मैं गौरी को लेने चली गई, लेने क्या चली गई, गौरी को लेके बैठ गई और सीटी उसमें ज्यादा आ गई। मैंने धीमी गैस पे रखा हुआ था, मुझे लगा तेज गैस है और आलू मेरे सारे फूट गए। जब अच्छी अच्छी चीजें बनाते हो दिखाते हो तो ये भी दिखाना चाहिए ना। तो आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ जीरा आलू, या आप जो भी बोले आलू जीरा। तो यहाँ पर मैं इसको तवे पर बनाऊंगी। तवे पर मैंने घी डाल लिया है और वो गर्म हो चुका है। साथ में मैंने डाला है इसमें हींग और जीरा, दोनों को बहुत अच्छे से मैं गरम मतलब भुनने दूंगी। और इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची जो मैंने काट के रखी हुई थी। बहुत मोटी मोटी कटती हैं मुझसे ये, और काट करके जो रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। डालने के बाद में इसे भी मैं थोड़ा भुनने दूंगी, क्योंकि अच्छे से भुन जाती हैं तो तीखापन खत्म हो जाता है, अदरवाइज इसमें तीखापन लगता है और ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं इस तरीके से। तो धीमी गैस की हुई है मैंने और यहाँ पर ये भून रही है, और अगर मैं ज़्यादा तेज कर दूंगी तो जीरा ज़्यादा काला हो जाएगा, इसलिए धीमी आंच पर ही मैं इसको पका रही हूँ। और पकने के बाद में मैंने जो आलू अभी आपको दिखाए थे पहले, उन्हीं आलू को मैंने छील करके तैयार कर लिया है। और उसमें मैंने पहले से ही धनिया और नमक डाला है, मिर्ची नहीं डाली है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची ऑलरेडी भून चुकी है वहाँ पर, मैंने डाल दिया हरी मिर्ची। तो लाल मिर्ची मैं खा नहीं रही हूँ आजकल, और ना ही ये खाते, घर में मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ, तो हरी मिर्ची ही यूज कर रहे हैं। और मैंने ये मसाला जो मिला करके रखा हुआ था बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ सूखा धनिया और ये डाला है मैंने इसमें नमक, हल्दी वगैरह कुछ नहीं, और बस इसको तवे पर मैं अच्छे से फैला दूंगी। फैलाने के बाद में इसको मैं, ये जो मेरे थोड़े थोड़े से मोटे मोटे आलू रह गए हैं इनको मैं अच्छे से दबा दूंगी ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। मेरे को बहुत ही सच में बहुत टेस्टी लगते हैं ये, क्योंकि ना ये तवे पर जो जैसे टिक्की वाला टेस्ट आता है ना, करारे हो जाते हैं इस तरीके से। तो धीमी गैस पर ही इनको मैं अच्छे से पकने दूंगी, और जो 5-10 मिनट बाद मैं इसको, 5 मिनट के बाद ही इसको मैं सभी आलू को चला दूंगी ताकि नीचे वाले ऊपर हो जाएं और ऊपर वाले नीचे चले जाएं इस तरीके से। आप देखिए मसाला जो है नीचे की तरफ लग चुका है, और जब मैं इसको इस तरीके से चलाऊंगी तो वो सारे में मसाले का टेस्ट आ जाएगा। और चाहें तो आप इसमें ऊपर से भी घी डाल सकते हैं, अगर घी आप ज़्यादा खाते हैं तो देसी घी आप ऊपर से डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। या तो आप इसे पराठों के साथ में खाइए, और आम का अचार या नींबू का अचार हो तो उसके साथ में भी खा सकते हो आप इसे। और अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज नहीं डाली है, अदरवाइज मैं कच्ची प्याज इस तरीके से ऊपर काट करके इसमें डालती हूँ, वो हल्की हल्की इसमें फ्राई हो जाती है तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और बस इस तरीके से चलाते चलाते मैं इसको छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, और फिर जब ये तैयार हो जाएगा फिर इसको मैं पराठों के साथ खाऊंगी, क्योंकि मैं आगे बनाने जा रही हूँ अभी दूसरी गैस पर पराठे। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है तवे पर ताकि ये लगे ना, वैसे तो लगता नहीं है। और यहाँ पर ये मैं पराठे बना रही हूँ, और पराठे बनाते बनाते ही एक्चुअली मैंने ट्राईपॉड नीचे है तो नीचे ऊपर मुझे नहीं हो पाता है गौरी के साथ में, तो मैं हाथ में लेकर ही इसकी वीडियो बना रही थी कि ये मैं पराठा बना रही हूँ। तो आप लोग भी खाइए आलू के साथ में पराठा, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे पराठे मैं बना करके रख लूंगी। ये तन्नू यहाँ पर चली गई थी सुबह, तो तन्नू को भी ये बहुत पसंद है लेकिन वो चली गई थी, तो हम दोनों ही खाएंगे। और इसके बाद आप मिलेंगे नन्ही परी से। नन्ही परी यहाँ पर खेल रही है, ये वीडियो मेरे को रोटरेट करनी थी लेकिन नहीं कर पाई, और यहाँ पर बाबू जो है वो खेल रही हैं। इनको मैंने इसमें लिटा दिया था आज, क्योंकि मैं अकेले हूँ तो मेरे को थोड़ा सा काम करना था, तो इसमें क्या है मैं काम करते करते भी इसको गौरी को यहाँ पर झुला रही थी, तो ये आराम से इसमें लेटी हुई है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लेटने में। और यहाँ पर ये मैंने कपड़े धोने के लिए निकाले हुए हैं, बस खंगालूंगी इनको, कपड़े मेरे मशीन में धुल चुके हैं, यहाँ पर इनको खंगालना बाकी है। डिटॉल की शीशी भी साथ में। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो सब लोग आप जरूर बताना। और मैं यहाँ ऊपर आई हुई हूँ, बस अभी बाल कंघी कर रही थी, अभी मुझे चोटी बनानी है। बाल ना मेरे बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं, यहाँ अंधेरा आ रहा है। और यहाँ पर अभी गौरी जो है वो सोई हुई है, ये देखो गौरी को मैंने सुलाया हुआ है, और मैं अभी बस कंघी करने जा रही थी।
क्योंकि बहुत 3 दिन हो गया मुझे इस हाथ से नहीं हो पा रहा था, मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ। और अब नवरात्र चल रहे हैं, दूसरा नवरात्रा है और आज डे है मंडे और डेट है 30, 30। तो कैसे हो सब लोग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नवरात्रों की दोबारा से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो जितने दिन नवरात्र चलेंगे उतने दिन बोलना ही बोलना है मुझे ये। तो चलो पहले मैं कंघी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। न्यूज़पेपर के आगे कुछ नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर के आगे कुछ नहीं चाहिए। अब बोलो तो सही। हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। और क्या, आज मैं गया था मॉर्निंग वॉक पे, नहीं मॉर्निंग साइकिलिंग पे, तो 7 बजे मैं निकला था और 9 बजे वापस आया मुझे। 2 घंटे साइकिल चला के आया, 2 घंटे। इनको अपना पेट कम करने की लगी हुई है। वेट मींस तो आई नहीं रहे, मैं सोचा हूँ बल्ब फ्लैट कर लेता हूँ, ट्विन से निकाल लेने। तन्नू गई हुई है यार, तन्नू के बिना मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सच में घर खाली खाली लग रहा है, खाली लग रहा है। तन्नू वहाँ गई है तो अपनी दूसरी वाली दूसरी मौसी के यहाँ पे मेला घूमने। हाँ मेला घूमने, तो कल से मन नहीं लग रहा बिल्कुल, ऐसा लग रहा खाली खाली था। आजा तन्नू, गबरे गब्बर सिंह आजा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग। और मैं रात का ब्लॉग अभी तक खत्म नहीं कर पाई हूँ, कल ब्लॉग मैंने शुरू किया था, कल शाम से शुरू किया था और अभी तक मैं खत्म नहीं कर पाई हूँ। एक तो मेरे हाथ में दर्द बहुत ज्यादा, ऊपर से गौरी और अब तन्नू भी नहीं है, तन्नू गई है बड़ी मौसी के यहाँ पर। एक्चुअली वहां पर मेला लगता है, रामलीला जब होती है वहां पे मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है। तो अगर वो आएगी तो मैं वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगी अगर उसने बनाई होगी तो। और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। गौरी यहाँ पर अभी खेल रही है थोड़ी देर, तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग का एंड कर दूं। और एक तो मन नहीं लग रहा है, ऊपर से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। काम करने का ये ना कि ऊपर नीचे का सिस्टम हो जाता है तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। बस अभी मैंने खाना बनाया है और इनको दुकान भेजे और आज मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, अदरवाइज मैं इस टाइम तक नहा करके तैयार होकर के बैठ जाती हूँ, उसके बाद में मैं सारे काम करती हूँ। उससे क्या होता है कि कोई आए तो फिर ठीक रहता है कि आप नहाए हुए हो, तो सुबह ही नहा लेती हूँ मैं इनके होते हुए। लेकिन आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि गौरी आज रात भर नहीं सोई, क्योंकि कल दिन में भी बार बार सो रही थी तो रात को नहीं सोई है, बहुत लेट सोई थी, बहुत ही लेट, मतलब 3 बज गए थे मुझे, 3-4 बज गए थे। और फिर सुबह 6 बजे फिर, और फिर बीच बीच में उठना पड़ता है गौरी को चेक करने के लिए। तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बस मुश्किल से मैंने खाना बनाया, अभी सारा घर का काम पड़ा हुआ है, अब मैं वो करूंगी। बस 5 मिनट अभी बैठी हूँ इनके जाने के बाद में और गौरी को निला करके तैयार किया है। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी सुबह यही होती है कि मैं पहले गौरी को मालिश करूं, फिर उपटन लगाऊं और फिर इसको निला करके इसको पूरा रेडी कर दूं ताकि ये रिलैक्स हो जाए। क्योंकि बच्चे को अगर आप जल्दी निला देते हो और मालिश वगैरह कर देते हो तो वो बिल्कुल रिलैक्स होके ना सो जाता है या फिर खेलता रहता है। तो यही गौरी के साथ में है, या तो ये सोती है या खेलती है। पीछे मिरर लगा हुआ है, मैं उसी पर सर लगा के बैठी हुई हूँ। तो अब मतलब मैं ये हो जाता है कि ना ये बिल्कुल फ्री सी हो गई है, इसको भी बहुत अच्छा लगता है जब इसकी मालिश होती है और मालिश के बाद में जब ये नहाती है ना तो इसको बहुत बहुत अच्छा लगता है। या तो ये सोती है बहुत आराम से अच्छे से, या फिर ये खेलने में लगी रहती है, अपने आप खेलती रहती है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूं। और आज छोटा सा ही ब्लॉग है, अब तन्नू आएगी तब से ब्लॉग, अभी जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता है अच्छे से शायद मैं ब्लॉगिंग पता नहीं कर भी पाऊं या नहीं कर पाऊं, मुझे नहीं पता। क्योंकि गौरी को संभालना और अपने भी हेल्थ देखना और घर का भी करना, तीनों एक साथ अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। हार्ट ठीक होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि क्या होता है ना कि काम जल्दी 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 हो जाता है और राइट हैंड वैसे है। तो अभी टेस्ट के लिए भी जब जाऊंगी, अब तन्नू आ जाए तो मैं टेस्ट कराना है मुझे। मेडिसिन से भी आराम नहीं हो रहा है, बैंड बांध रही हूँ, गर्म पट्टी भी बांध रही हूँ उससे भी आराम नहीं हो रहा है।
तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। काम कर लेती हूँ लेकिन इतना नहीं कर पाती हूँ कि क्योंकि इसमें रहता है कभी भी अचानक नस खींच जाती है, कुछ मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, जैसे ही अंगूठा चलता है वैसे ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बस, और खाने में भी मैंने कुछ आज खास नहीं बनाया, दाल रखी हुई थी वही इनको दोबारा से फ्राई करके अच्छे से दी और अपने लिए दलिया बना करके खाया है, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी तो गौरी को नहीं मिलेगा। अपना भी ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी हो गया है। पहले तो क्या होता था कि चलो ठीक है जो मिल रहा है वो खा लो, अब ध्यान से खाना पड़ता है सब कुछ बस। और गौरी को भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है काम करते हुए भी। अभी ऊपर हूँ मैं, अब पहले मैं ऊपर का काम खत्म करूंगी, फिर नीचे गौरी के मुझे कपड़े वगैरह धुलने हैं सारे, सब कुछ यही करना है। फोन मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है, ट्राईपॉड लगाने का बिल्कुल मन नहीं था, है ना गौरी, खेलने में लगी हुई है। तो बस यार यही, और जब कोई चला जाता है ना बिल्कुल मन नहीं लगता। अब तो तन्नू गई है ना, बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि कब आ जाए कब आ जाए। अभी फोन कर रहा है उसको सुबह, इन्होंने भी बोला कि तन्नू आ जा जल्दी से आ जा। उसको हम डांटते भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं और मस्ती मारते हैं एक्चुअली ना, सारे तीनों मिलके चारों साथ में हम लोग, तो अच्छा लगता है। अब और तन्नू मेरे काम में भी बहुत हेल्प हो जाती है तन्नू की। तन्नू गौरी को पकड़ लेती है तो काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ, या मैं गौरी को पकड़ लेती हूँ थोड़ा काम तन्नू कर लेती है थोड़ा मैं, हम लोग मिलके अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं गौरी को देखती हूँ और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। आगे के व्लॉग एनर्जी वाले मिलेंगे, अभी बस थोड़ा सा ये टाइम पीरियड निकल जाए उसके बाद में। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।